हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल विनीता मौर्य अपनी रसोई। आज मैं आपको बताऊंगी एप्पल का हलवा कैसे बनता है। इस एप्पल के हलवे को मैं खोया के साथ बनाकर दिखाऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का एक लाल बटन होगा, उसको क्लिक करिएगा मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं एप्पल के हलवे को बनाना। एप्पल का हलवा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एप्पल। ये मैंने 4 एप्पल ले रखे हैं। एप्पल को मैंने धो लिया है साफ पानी से। फिर हमें चाहिए खोया। ये 1 कटोरी खोया है, वजन में ये 150 ग्राम है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, बादाम, पिस्ता के दाने, चीनी। चीनी ये 50 ग्राम मैंने ली है। 4 इलायची का पाउडर बना लिया है और देसी घी। इतनी सामग्री हमें चाहिए इस हलवे को बनाने के लिए। सबसे पहले तो हम एप्पल को छीलकर इसको हम कद्दूकस में कस लेते हैं। एप्पल को हम छील लेते हैं। इसको हमें बारीक छीलना है, बहुत मोटा छिलका इसका हमको नहीं उतारना है। इस तरह से ये हमने अपने सारे एप्पल छील लिए हैं। अब मैं इनको एक पानी से धुल लूँगी साफ से। एप्पल को मैंने साफ पानी से धुल लिया है। अब मैं इसको कद्दूकस में कस लूंगी। इस तरह से इसको हम कस लेंगे सारे एप्पल को। मैंने सारे एप्पल को कद्दूकस में कस लिया है इस तरह से। अब मैं हलवा बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। कढ़ाई को मैंने इंडक्शन पे पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई हमारी बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी डालूंगी। घी हमारा गरम हो चुका है। अब मैं इसमें एप्पल को डाल दूंगी जो मैंने घिस रखा था पहले से। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी इस तरह से। एप्पल को मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से। अब मैं इसमें चीनी को भी ऐड कर दे रही हूँ। चीनी मैं इसमें 50 ग्राम डाल रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि सेब हमारा मीठा होता है, इसलिए मैं इसमें चीनी कम डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप अपने अनुसार डाल सकते हैं टेस्ट के। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। अभी हम एप्पल को गलने तक इसको पकाएंगे, फिर इसमें हम खोया को भी ऐड कर देंगे। एप्पल हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें खोया को भी ऐड कर दे रही हूँ। इलायची पाउडर भी मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें। और ये थोड़ा सा फूड कलर येलो, इसको भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसमें। खोया को मैंने एप्पल में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स को भी डाल दे रही हूँ अच्छे से। अब हम इसको भी मिला देंगे इस तरह से। अभी हम इसको और पकाएंगे। सेब का हलवा बनाते समय एक बात का आप ध्यान रखिएगा, कभी भी सेब को पहले से छील के या कस के आप नहीं रखेंगे, नहीं तो ये काला पड़ जाता है और हमारे सेब का जो हलवा है बहुत अच्छा नहीं बनता है और उसका कलर भी अच्छा नहीं आता है। इसको अभी हम और पकाएंगे। एप्पल का हलवा ये हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इंडक्शन को ऑफ कर दे रही हूँ। हमें इसको इतना ही सुखाना है। इंडक्शन को मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं कढ़ाई को इंडक्शन पर से उतार लेती हूँ। फिर मैं इसको एक सर्विंग बाउल में सर्व करूँगी। अब मैं हलवे को इस सर्विंग बाउल में सर्व कर रही हूँ खाने के लिए इस तरह से। हलवे को मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसको गार्निश करूंगी पिस्ता के दानों से। काजू, बादाम। ये हमारा एप्पल का हलवा बनके तैयार हो गया है। बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बना है। एप्पल का हलवा बनाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि एप्पल को पहले से काट कर
या कद्दूकस में कसकर नहीं रखेंगे। जब हमें बनाना होगा तभी हम एप्पल को काटेंगे और कद्दूकस में कसेंगे, नहीं तो हमारा हलवा अच्छा नहीं बनेगा। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मैं फिर से मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।